अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान दोस्तों, की हाल है तुहाडे? उम्मीद करदा कि तुसी ठीक हो सो और अलहमदुल्ला अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हाँ। अच्छा जी, अज की मेरी वीडियो है कि जेडे मेरे दोस्तों बिरावां दी मकई जड़ी है वह तकरीबन 2 महीने की हो गई, यानी कि 60 दिन की हो गई या 50 दिन की हो गई, तो आया सानू किहड़ी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए भरपूर पैदावार लवण वास्ते, इस बारे में मुकम्मल वीडियो बनाईदा पाया। तुसी वीडियो मुकम्मल वेख्या, तुहाडे नाल सारी डिटेल नाल गल करना, तुहानू दसेना कि 2 महीने दे जिस टाइम ते मकई हो जाती उहदे अंदर किहड़ी चीज़ इस्तेमाल की दी ताकि उहदी पैदावार जिहड़ी है वह भरपूर आवे। तो इंशाल्लाह ये सारी डिटेल नाल तुहाडे नाल गल करना, वीडियो तुसी मुकम्मल वेखनी। अच्छा जी, हमेशा की तरह वीडियो शुरू करन तो पहले जितने भी नवे बिरा मेरे इस चैनल ते वेखदे पैण मेरे चैनल में सबसक्राइब कर दियो, नाल ही बैल का बटन है उसते क्लिक करो ताकि हर आवन वाली जरिए मालूमती वीडियो जी है मैं फसल के मुतलिक वीडियो बनाईना तो वो वीडियो थोड़े तक पहुँचे और तुम वीडियो वेख के जोड़ा तरीकाकार मैं अख्तियार करना उस तरीके चल के अपनी फसलों की पैदावार ला सकते हैं। तो हूँ आप चलने वीडियो के पास, तुम वेखते पे ने मेरी बैक साइड से जी मक्की नज़र आती पी है, अज 14 तरीक है ठीक है, और इस 21 तरीक न 2 महीने की हो जानी ठीक है। ये अंदर हूँ मैनू की करना चाहिए उस तरीके मैं तुम्हें भी दसे सा कि तुम्हें किस तरह मतलब 2 महीने की जी थोड़ी मकई हो जा सी उस टाइम तो तुम्हें किड़ा तरीका अख्तियार करना चाहिए। अगर मैं नज़दीक तुम्हें विखा सकिया छलियाँ दियाँ आ देख सकते हैं, ये छलियाँ जरा अमल है मतलब हूँ छलियाँ निकल दियाँ पे 2 महीने की मकई जिस टाइम तो हो जाती किसी भी दोस्त मेरे बरा की अगर 2 महीने की हो जाती तो फिर छलियाँ जरा निकलना शुरू हो जाती हैं। और इस वक्त जरा है ना वो हबस भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पिछले कुछ दिनों तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सानू मेरी हालत भी नज़र आती पी उसी कि वीडियो बनावन के तकरीबन पसीने मैं शर्मबोर होया खड़ोता। इस वक्त जरा है ना हबस बहुत ज़्यादा है और खुराक का खासकर मकई की जी खुराक है जी जुलाई के पहले हफ्ते लगी हुई वह खास ख्याल रखना चाहिए होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने खुराक सही तरीके दी जाए ज़्यादा मकदार है थोड़ी दी जाए तो पैदावार जी कम नहीं होंगी, इंशाल्लाह पैदावार वधी। तो हूँ मैं तुम्हें यह दसना कि आया जी थी मकई है 2 महीने की हो गई या 2 महीने तू कुछ दिन कम है या 2 महीने तू उत्ते, तो सानू की करना चाहिए? सानू पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए, नाल सानू यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर यूरिया अवेलेबल ना हो, यूरिया तुम्हें नहीं मिल रही या यूरिया तुम नहीं डालना चाह रहे, तो फिर तुम्हें चाहिए कि एक बारी तो तुम एक बोरी केन गुआरा की सट दो, यानी कि एक पानी से फिर जरा अगला पानी लाना वो पोटाश जी फ्लड कर दौ, फिर उस तू अगला जोड़ा पानी लाना वो तुम आदि तफीक कस्बे तफीक के मुताबिक मतलब जितनी थोड़ी गुंजाइश है उस हिसाब न अगर तुम्हें यूरिया मिलता यूरिया पा दौ, अगर नहीं मिलता तो फिर तुम केन गुआरा का इस्तेमाल करके इंशाल्लाह ताला अगर ये करते हैं तो ये जी थी पैदावार है वह कम नहीं होंगी। अल्लाह के हुक्म के नाल अगर अल्लाह ने चाहिया तो इंशाल्लाह ताला जी पैदावार है वो बल्कि इजाफा हो सी कम नहीं होंगी, क्योंकि इस वक्त भी हबस बहुत ज़्यादा चलता पाया और ये तकरीबन 15-16 तरीक तक मौसम जोड़ा है मौसमी रिपोर्ट अगर वेखी जाए तो 15-16 तरीक तक इस तरीके हबस जोड़ा है और असी जिन्हों की टैसलिंग मौजूद है यानी कि पोलीनेशन अमल शुरू है जुलाई के पहले हफ्ते की काश्त है तो फिर उन्होंने इन्होंने चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और जोड़े तरीके मैं तुम्हें दसा इस तरीके अगर तुम इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ताला तुम्हारी पैदावार जी भरपूर उसी। उम्मीद करना कि यह मेरी वीडियो तुम्हें जरूर पसंद आई उसी, अगर ये मेरी वीडियो तुम्हें पसंद आई हो मेरी इस वीडियो लाइक कर दो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय का इजहार मेरे जरूर कराया, इंशाल्लाह मैं तुम्हारे हर मैसेज का जवाब दसा। तो आप मिलते हैं किसी तरह की नवी वीडियो उदों तक अल्लाह हाफिज़।